अच्छा जी, मैं ज्योग्राफी के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर होता है उसको बोलते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मींस व्हाट? द कन्वोल्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, अप्स एंड डाउन्स, द फीचर्स ऑफ द लैंड इज कॉल्ड टोपोग्राफी। बट द क्वेश्चन इज व्हाई वी स्टडी ज्योग्राफी विद हिस्ट्री, why it's part and parcel of history. The answer is that without knowing the place, environment, climate, the topography, the land features, you cannot fully understand the history of the people. Let me make it more clear. Arab, जब हम अरब की बात करते हैं और अरब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हम उनके क्लाइमेट को देखते हैं, उनकी नेचर को देखते हैं, वहां उगने वाले हर्ब्स एंड शर्ब्स को देखते हैं, वहां उनके काबों को देखते हैं, उनकी उनका पेशा क्या था, वहां उनके लैंड के फीचर्स देखते हैं। तो वी कम टू नो कि उनके एनवायरमेंट की वजह से, उनके लैंड की वजह से दे हैड द हार्श एटीट्यूड, उनकी तबीयत के अंदर स्टबर्ननेस है। Similarly, if we go to Afghanistan and we find out that people are stubborn, haughty, kyun? Warriors, kyun? Because of the land features. Teen teen meal to sirf pani lene ke liye wo jaate hain, theek hai? Land ke features ka bahut bada impact hota hai logon ke upar, aur isiliye history padhne ke liye aapko na sirf history zaruri hai but uske saath saath geography bhi padhni zaruri hai. In order to fully understand the human nature, got it? Yes. Lahore walon ki kahani, Lahore wale businessman hai. Yes. Ye main nahi keh raha. Ye history ki book kehti hai. The people of Punjab were always the business community, businessman community. So whoever invaded subcontinent, he came from Afghanistan and they were there. He was beaten up by the Afghanis, Pathans. Then he came to Punjab and the Punjabis said, sir, welcome, let's have business. And that is why, so whosoever came to subcontinent, he stayed here in Punjab, in Sindh. Huh? Particular log yehi the na, yehi saare, bata. Nahin, woh main nahin bol sakta, it's discrimination. Okay. Jee nahin. Kuch cheezein. Facts and reality is always very bitter. And its taste is very, you know, नहीं रहने दो, छोड़ो, पढ़ लो ना बुक से, मैं कुछ बोलूं, ये जब बंद हो जाएगी फिर पूछिए, फिर बताऊंगा। अच्छा जी, टोपोग्राफी के अंदर कुछ हमने एब्रिवेशंस को देखना है। इससे पहले कि हम टोपोग्राफी की तरफ लीड करें, हमें कुछ एब्रिवेशंस को समझना चाहिए। और वो एब्रिवेशंस क्या हैं? हमने पूरी दुनिया को अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए दो पैरेलल लाइंस में बांटा हुआ है। एक लाइन को जो खड़ी हुई है लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और जो लेटी हुई है द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज लैटिट्यूड एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। द होल वर्ल्ड ऑन द मैप इज डिवाइडेड इन दिस वे। सो द ancient people, when they used to travel in the sea, they used to figure out ke wo kahan hai through the compass, aur compass ke upar bhi wo aise hi rakhte the, unko pata lagta tha ke wo yahan direction ye hai, ye sab kuch, to ye lineon ki madad se judge karte hain. Same way in the air, hawa mein, there is no map, how they know that? Wo longitude aur latitude aa raha hota wahan pe, ki aap itne longitude mein ho, itne latitude mein ho, they abruptly know ke ab hum kahan hain. Theek hai, to Pakistan ka longitude aur latitude kya hai? पहली लाइन में लिखा हुआ है, पढ़ें जरा क्या लिखा हुआ है। पाकिस्तान इज इन बिटवीन दीज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ठीक है, इनके बीच में लाए करता है। अच्छा, पाकिस्तान इज अ कंट्री जिसके अंदर मुख्तलिफ उसके साथ बॉर्डरिंग एरिया है। जो पाकिस्तान का वेस्ट है वो सबसे बड़ा वेस्ट का बॉर्डर बनता है, किसके साथ? अफगानिस्तान। और जो टेल बनती है यहां पे पीछे,
और टेल और हाइंड फुट। पाकिस्तान का मैप एक शेर की तरह है, शेर है, मुझे तो शेर ही लगता है, आपको गीदड़ लगा है तो कोई मसला नहीं है, बट फॉर मी इट्स लाइक लायन, राइट। तो जो उसकी हाइंड लेग है, हाइंड लेग और उसकी टेल के बीच में एक कंट्री बनता है जिसका नाम है ईरान, ठीक है। और फिर जो फ्रंट साइड पे जो सामने आता है कंट्री, वो कौन सा है? इंडिया, आर एनिमी नंबर वन, द शदाई ऑफ द गांव कोला। हाँ, दो ये ऐसे ही है जैसे कभी शेर और चूहा कभी दोस्त हो सकते हैं? नहीं, दोस्ती हो ही नहीं सकती। शेर कहेगा मैं और तुम कहाँ, सेम वे इसलिए चलो चूहा और बिल्ली कह लो, चूहा और बिल्ली कभी दोस्त नहीं बन सकते। घास और घोड़ा कभी दोस्त नहीं बन सकते। कभी सुना कि घोड़े ने घास से दोस्ती की हो? अगर वो दोस्ती कर लेगा तो मर जाएगा भूखा, वो मर जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, सो इंडिया एंड पाकिस्तान कैन नॉट बी अ फ्रेंड, यस दे आर द फोर्स एंड दे विल रिमेन द फोर्स। एनीवेज, तो ये ईस्ट है, वेस्ट के ईस्ट दोनों साइड पे दो मुल्क में पता लगे, नीचे टेल में ईरान है, ठीक है। ऊपर ये यहां सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, CAS, एक और वर्ड याद रखना, CAS, सेंट्रल एशियन स्टेट्स। नहीं, आपको ये समझना नहीं चाहिए था बाद में, वो क्लाइमेटिक इफेक्ट। अच्छा चलो खैर, बताएंगे उसको भी जब हम क्लाइमेट पढ़ेंगे तो। अच्छा, तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स ऊपर नॉर्थ में, अप नॉर्थ में, ठीक है। फिर इस तरफ देखें तो हमारा द बेस्ट टर्माइट, सुना टर्माइट क्या होता है? टर्माइट एक ऐसा जानवर है जो जिस चीज पे आता है वो खुद कुछ नहीं करता, वो लोगों की बनाई हुई चीजें खा जाता है, ठीक है। तो चाइना इज लाइक ए टर्माइट विच हैज ईटन पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सर, आपके मुल्क में जूते बनते थे, कपड़े बनते थे, बहुत सारी चीजें बनती थी, अब सब मेड इन चाइना होता है, आप सिर्फ पहनते हैं। वही बात है ना, अब हमें काम नहीं ना करना पड़ता, लेकिन आपके मुल्क की सारी इंडस्ट्री तबाह हो गई ना। चाइना जिसका मुल्क का दोस्त बना, उस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ, जिस मुल्क के साथ गया उसको खा गया। लकड़ी के अंदर रहता जरूर है लेकिन लकड़ी को खा जाता है, बाद में लकड़ी को आप ऐसे करके करें तो लकड़ी गिर जाती है क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता। तो चाइना ने पाकिस्तान को ऐसे ही लूट लिया, ठीक है। नहीं, अब सुनाना नहीं, सॉरी, अभी मैं सुनाऊंगा, आज मैं सुनाने के लिए आया, जरा मुझे खरी खरी सुना लेने। अच्छा, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, चाइना, क्लियर हो गया। ये पाकिस्तान के हमसाए हैं जिनके साथ कभी पाकिस्तान का रिश्ता निभा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम जहां गए वहां हमने शैतानी की, पाकिस्तान एक शैतान बच्चे के तौर पे हर जगह जाना जाता है। अगर हम पाकिस्तान की अब टोपोग्राफी की बात करें तो हमें कुछ चीजें समझनी है। हम टोपोग्राफी के हिसाब से पाकिस्तान को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है माउंटेन्स। जब माउंटेन का लफ्ज आता है तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि माउंटेन और हिल में फर्क क्या होता है। सॉरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड अ हिल? यस मिस्टर अब्दुल्ला, हिल्स छोटे होते हैं, लाइक कितने होते हैं, इतने इतने होते हैं, उनको हिल्स कहते हैं कि पहाड़ियां लगाई हुई हैं। इस्लामाबाद वाले हिल्स, लाइक व्हाट इज द क्राइटेरिया? ओह वेरी गुड, बड़ा लाइक बच्चा आ गया यार, वाह। 1000 मीटर से अबव जो होता है उसको हम बोलते हैं माउंटेन्स, कुछ भी मैटर नहीं करती, बस अगर उसकी हाइट 1000 फीट से अबव है, 1000 मीटर से अबव है तो इट इज नोन एज माउंटेन, और अगर 1000 से कम है तो इट इज नोन एज हिल, ठीक हो गया? आइंदा के बाद भूलेगा तो नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओशन एंड अ सी?
सी छोटी होती है, घरों में बनाई होती है हमने सी की, ये अपना सी है। ओए ग्रेट, प्लीज रेज योर पाम्स ऑफ द राइट हैंड एंड टिल्ट इट टुवर्ड्स मिस्टर एंड से वेल डन। मतलब वो नमक सी में नहीं आता, फिल्टर हो जाता है भाई। ओशन, दुनिया में बड़े बड़े ओशन हैं, लेकिन हर मुल्क ने अपने जो उसके सामने या जो मुल्क के सामने जो सी ओशन का पार्ट लगता है उसको मैप पे जानने के लिए, अपने लिए आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए हमने उसको नाम दिया हुआ है। जैसे रेड सी, डेड सी, ब्लैक सी, येलो सी, ये सारे अरेबियन सी, ये सारे के सारे सी हैं। ठीक है, ओशंस डिफरेंट हैं, ओशन बेसिकली पूरी दुनिया को ओशंस में रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, और फिर वो जिस मुल्क के सामने जो लगता है ओशन का हिस्सा उसको हमने सी कहते हैं। तो सी इज छोटा, ओशन इज बड़ा, नमक दोनों में होता है। ठीक है, अच्छा अभी नहीं बोलना, अभी होल्ड योर क्वेश्चन विद इन यू, राइट। ओके नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमें पता लग गया पाकिस्तान के अंदर। मैंने पहले बताया कि पहला हिस्सा अगर पाकिस्तान का बात करें तो वो माउंटेन्स हैं। अगर हमने टोपोग्राफी पढ़नी है तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उसकी माउंटेन्स के बारे में जानेंगे कि कितनी कितनी माउंटेन्स हैं। देन कम्स कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया के बारे में जानेंगे कहां कहां है। ठीक है, फिर डेजर्ट। पाकिस्तान के कितने डेजर्ट्स हैं? तीन डेजर्ट्स हैं, तीन डेजर्ट्स हैं पाकिस्तान के, थर, थल और खारान। थर, थल, खारान। अगर आप अपना राइट हैंड मैप पे रखें ऐसे करके, ऐसे ही उल्टा एल बनाकर पाकिस्तान के मैप पे रखें, उल्टा एल, राइट हैंड से हमेशा उल्टा एल बनेगा। ठीक है, सो बेसिकली तू सीधा होने वाला है, मस्ता और कोई नहीं है। अच्छा, तो अपना राइट हैंड जब आप रखते हैं मैप ऑफ पाकिस्तान पे, तो जो आपका थंब होता है वो हमेशा इंडिकेट करता है टुवर्ड्स खारान। यस, खारान, खारान टेल में है। टेल, पाकिस्तान की जो टेल बनती है पीछे, हाँ बलूचिस्तान की तरफ जो टेल बनती है उसके मिड में, मिड में बेसिकली क्या आता है, ये ऐसे अगर रखते हो ना, ये देखो पूरे मैप पे तो कहां आ रहा है, ये है थल। इस टेल के, ये टेल है ना, टेल के मिड में खारान है, टेल के मिड में खारान है, और बिल्कुल ये इस साइड पे पंजाब के एंड में बॉर्डर में थल है। और ये जो पहला फीट बनता है, ये जो पहला आगे वाला फुट बनता है, नहीं ये नहीं दिखेगा, ये जो आगे फुट बनता है इसको बोलते हैं थर, थर पार्कर, थर। ये थर डेजर्ट है, जो पहला फुट है आगे वहां लिखा होगा नारा, पाकिस्तान के तीन डेजर्ट्स हैं थर, थल, खारान। खारान इज इन द टेल, पाकिस्तान की जो टेल बनती है उस टेल की मिड में, पाकिस्तान के मैप पे जो टेल बन रही है उसके मिड में, ये जो टेल है ये टेल, टेल के मिड में, और फ्रंट फुट जो है इसका, फ्रंट फुट थर, फ्रंट फुट थर, और यहां, यहां बिल्कुल यहां मिड में, बिल्कुल पंजाब और केपीके के बीच में, पंजाब और केपीके के बीच में थल। ये लैया भक्कर, ये इलाका जो है इसको थल का इलाका बोलते हैं, लैया भक्कर। थर है ना, हाँ तो फ्रंट फुट पे है बेटे, ओशन अभी भी बड़ी दूर है, मैप है ये छोटा सा लग रहा है तुम्हें। अच्छा जी, पाकिस्तान के प्रोविंस कितने? पंजाब, सिंध,
KPK, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, और अल्लाह करे कि कश्मीर आजाद हो जाए, नहीं तो फिर पाकिस्तान का प्रोविंस तो नहीं बना अभी तक। खैर, अच्छा खैर, सो फाइव प्रोविंसेस हमारे पास है। डेजर्ट समझ आ गई, माउंटेन समझ आ गई, कोस्टल एरिया समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं प्लेच्यू। द वर्ड प्लेच्यू मीन्स फ्लैट। प्लेटो, सुना नाम प्लेटो? प्लेटो नेम वॉज गिवन टू प्लेटो बिकॉज ऑफ हिज ब्रॉड शोल्डर्स। प्लेटो वो कौन है? वो है एक बंदा गुजरा यार बेचारा, बहुत अच्छी अच्छी थ्योरी देता था प्लेटो, ठीक है। 326 BC, नहीं प्लेटो, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि बेसिकली इट्स अ ग्रीक वर्ड प्लेच्यू। प्लेच्यू मतलब फ्लैट लैंड, लेकिन कटा फटा लैंड, ऐसा लैंड जो जिसमें पहाड़ियां नहीं टीले होते हैं, टीले मतलब बहुत ज्यादा ऊंची हिल्स भी नहीं, छोटे छोटे मट्टी के माउंटेन्स, रिग्ड टेरेन होती है। और वो टेरेन अगर आपने देखनी है तो आपको विजिट करना पड़ेगा, जैसे ही आप जेहलम को क्रॉस करते हैं और जेहलम से टुवर्ड्स चकवाल की तरफ जाते हैं, दिस होल लैंड इज नोन एज पोटोहार प्लेच्यू। दिस होल लैंड, वाई दिस लैंड इज प्लेच्यू, क्योंकि इस लैंड में मट्टी के आपको छोटे छोटे पहाड़ नजर आएंगे, कटा फटा एरिया नजर आएगा, दो के फ्लैट होगा लेकिन ज्यादा फ्लैट नहीं है, इसमें कन्वोल्यूशंस हैं, ऊपर नीचे उतराइयां हैं, चढ़ाइयां हैं, यहाँ नहर नहीं है, ये सारे का सारा रेन फेड एरिया कहलाता है। पाकिस्तान में दो प्लेच्यू हैं, एक पोटोहार प्लेच्यू जो पंजाब में है, एंड सेकेंड बलोचिस्तान प्लेच्यू जो बलोचिस्तान में है, ठीक है। दोनों ही एरिया ऐसे हैं जो रगेड टेरेन है, टेरेन रगेड का मतलब होता है ऐसा एरिया जहां वेजिटेशन ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन ज्यादा पहाड़ हैं, और वो मट्टी के पहाड़ हैं जो हर साल बारिशों की वजह से पिघलते जा रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं। तो ये बात याद रखेंगे आप लोग, इस्लामाबाद को भी बेसिकली पोटोहार का ही हिस्सा मानते हैं, लेकिन वो बेसिकली फेडरली एडमिनिस्ट्रेट एरिया है, हमारा कैपिटल है, तो कैपिटल जो होता है वो पंजाब से आउट हो गया है ना, इसलिए वो कैप। बट BUT वाला का BUTT वाला, ओके यस। वेजिटेशन कैसे है? क्योंकि अगेन मैंने बताया कि पहाड़ों के ऊपर टॉप पे तो होती है, नीचे नहीं होती है। तो जो इस्लामाबाद है आपको वेजिटेशन तो नजर आएगी, लेकिन वो कटा फटा एरिया है, पहाड़ मट्टी के हैं जो टूट रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद इस टोटली प्लेच्यू नहीं है। प्लेच्यू मैंने बताया कि आपका ये जो जेलम से आगे दीना सुहावा ये वाला एरिया, और यहाँ से फिर ये आगे को चला जाता है चकवाल, चकवाल से लेकर मियां वाली तक का एरिया जो है ये बेसिकली प्लेच्यू है। मैं अभी समझाता हूँ लैंडस्केप और लैंडस्लाइड क्या होता है। अच्छा जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, हम लाहौरी, मैं इस्लामाबाद का लगता हूँ, मतलब मैं कैसे आपको इस्लामाबाद का लगता हूँ? नहीं, इंग्लिश बोल कर मुझे आती नहीं है, क्यों नहीं है ना, देखा। अच्छा ओके जी, प्लेच्यू बात समझ आ गई। दो प्लेच्यू हैं, एक पंजाब एक बलूचिस्तान। अच्छा, अब प्लेच्यू के बाद एक और चीज है वो हमने समझना है, बेसिकली होता क्या है। पहले तो समझते हैं एलुवियम क्या होती है। व्हेनेवर इट रेन्स द रेन वाटर द ड्रॉपलेट्स व्हेन दे ड्रॉप डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जो उस ड्रॉपलेट की वजह से जो जमीन के ऊपर जो बेसिकली लैंड है, लैंड सरफेस जो है उसकी जो टॉप सॉइल है, दैट इज वेरी फर्टाइल सॉइल। जब वो इरोड होती है, वो उखड़ जाते हैं जर्रे, क्योंकि वहां वेजिटेशन नहीं होती,
जहां वेजिटेशन नहीं होगी तो जब बारिश होगी तो वो पानी के साथ मट्टी की टॉप सॉइल लेयर बाय लेयर बहती चली जाएगी और वो पानी उसको बहाता हुआ ले आएगा, पहले पहाड़ियों से नीचे, फिर नालों में, और नालों से ट्रेवल करते करते दरियाओं में। इस तरह एलुवियम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। सो वो टॉप सॉइल जो बहुत ही फर्टाइल होती है वो दरियाओं में आ जाती है, और फिर जब दरियाओं में सैलाब आते हैं व्हेन एवर रिवर स्वेल्स, तो फिर वो जो पानी है इट कम्स आउट ऑफ द टेरिटरी और वो मुख्तलिफ फील्ड्स में रह जाता है। इस तरह वो लैंड हर साल चार्ज हो जाता है विद द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल कॉल्ड एलुवियम। समझ लगी कि पहले भी चली गई? अंडरस्टैंड कि साइकिल स्टैंड? साइकिल स्टैंड बेड़ा अगर। अच्छा जी, चलो आम लफ्जों में, जब बारिश होती है तो पानी आता है, और जब पानी आता है तो ज्यादा आता है, जब ज्यादा होती है तो ज्यादा आता है। अच्छा दफा करो, जब ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है। ओके ओके शट अप। चलें जी आगे समझे। एलुवियम को सादा लफ्जों में समझा रहा हूं, बारिश जब होती है तो क्या होता है कि पानी जमीन की मट्टी को उखेड़ देता है। जो पहाड़ों के ऊपर जमीन के ऊपर मट्टी होती है वो बड़ी रिच न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है, और वो टॉप लेयर जो होती है पहाड़ों के ऊपर से जब वो इरोड हो जाती है, उतर जाती है, तो फिर वो क्या होता है, वो मट्टी जो है वो पानी के साथ बहते हुए पहले नदी नालों में होते हुए वो दरियाओं तक पहुंच जाती है, और दरियाओं में सैलाब के जरिए वो मट्टी निकलती है। अभी राइट नाउ आज आप देखेंगे आपकी जो लाहौर की नहर है उसको बंद किया हुआ है, उसमें भल सफाई चल रही है, मुहिम चल रही है, अभी वो सूखेगी, सूखने के बाद उसमें से मट्टी निकालेंगे और वो मट्टी नर्सरी वालों को बेचेंगे। इस पूरी नहर का ठेका हुआ होगा, नर्सरियों वाले इस मट्टी को लेके जाएंगे, और ये मट्टी बड़ी जबरदस्त मट्टी है। क्यों? क्योंकि ये दरिया से आई हुई है, और ये दरिया की मट्टी नहीं है, ये टॉप माउंटेन से आई हुई है, और ये पता नहीं कहां कहां से फिल्टर होके आई हुई है। इसको एलुवियम बोलते हैं। ये वो एलुवियम है जो न्यूट्रिएंट्स रिच होती है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जब सैलाब आता है और दरिया से पानी बाहर निकलता है तो वो पानी के साथ वो मट्टी भी बाहर जाती है, और इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर जाती है। तो एलुवियम जो है इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, पहाड़ों कहां पहाड़ों से चलती है और जमीन पे आ जाती है, प्लेन्स में आ जाती है। ठीक हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे चलते हैं तो एक और बात समझते हैं। बेसिकली होता क्या था, ये जो दरिया है जैसे पाकिस्तान के दरिया हैं जेहलम, काबुल, स्वात, चनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये सारे दरिया किसी जमाने में एक बहुत बड़ा दरिया था। हुआ क्या कि एक बड़ा दरिया था और हर साल दरिया के अंदर मट्टी आती है, और उसका पैटर्न जो होता है वो पानी खुद से डिसाइड कर रहा होता है कि वो मट्टी कहां किस तरफ ज्यादा डिपॉजिट होती जाएगी। होता ये गया, अब आपको सिर्फ एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, रिवर रावी की एग्जांपल दे रहा हूं। 900 साल पहले, एग्जैक्टली 900 ईयर्स अगो, अबुल हसन बिन उस्मान बिन हजवेरी उर्फ दाता साहब, जिनका मजार था, जहां उनका मजार है वो उधर वुजू दरिया के पानी से करते थे, विच मीन्स दरिया बिल्कुल उनके पास से गुजरता था। आहिस्ता 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 इस सारे टाइम में 900 इयर्स लगे, दरिया समझो ये था उनका एरिया, आस्ताना था, यहां से निकल के वो दरिया का पानी से वुजू करते थे और नमाज वमाज जो भी पढ़ते थे। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, मट्टी इस तरफ ज्यादा जमा होना शुरू हुई और ये जगह ऊंची होती गई, और इस तरफ ये नीचे की तरफ जगह थी, तो यहाँ पानी का फैलाव इस तरफ होता गया और पानी करते करते यहाँ पहुंच गया और दरिया ये रह गया, और यहाँ ये ऊंची जगह बन गई मट्टी की वजह से, अब यहाँ पानी नहीं पहुंचता था। ठीक है, फिर आहिस्ता 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 फिर आहिस्ता 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 कई और सालों में जमीन में मट्टी यहाँ पे भी जमा होती गई और दरिया और फर्दर आगे चला गया और यहां तक पहुंच गया। अभी शादरे में
रावी के अंदर जब भी बारिशें होती हैं, सैलाब होते हैं, पानी आता है, बट बिकॉज उसमें पीछे डैम बन गया है इसलिए अब पानी उसमें नजर नहीं आता, क्योंकि इंडिया वालों ने उस पर डैम बना दिया। बट जब वो फुल फ्लो में चलता था तो अब वो शादरे तक पहुंच गया, तो ये बीच का एरिया है, दाता साहब से आप काउंट करें, बीच में मीनार पाकिस्तान और बीच में सारा एरिया, वो रावी रोड का सारा एरिया, वो सारा बेसिकली एलुवियम थी और वो सारा एलुवियम टेरेस था, ठीक है। और अगर अभी इस पर डैम ना बना होता तो शादरे से भी इस दरिया ने कहीं आगे निकल जाना था, क्योंकि दरिया तो हर साल मट्टी के साथ मट्टी को वो उड़ाता चला जाता है और अपना रास्ता बदलता चला जाता है, ऐसा हर साल होता है। ये तो हमने आर्टिफिशियली अब दरियाओं को रोका होता है, अदरवाइज दरिया तो अपना रास्ता चेंज करते रहते हैं। सरफेस स्लाइड दरिया चेंज करता है, मैंने बताया कि ये तो नेचुरली लैंड जगह चेंज करता है। लैंड अगर आप देखें कि वो जो लेक है, क्या नाम है उसका, अताबाद लेक, अगर आपने, क्योंकि मैं तो बहुत पुराना इन एरियाज को विजिट करने वाला हूं, तो जब मैं पहले बहुत पहले विजिट किया करता था तो वहां एक चश्मा था छोटा सा, लेकिन 2008 के सैलाब जलजले में, अर्थक्वेक में, वहां एक पहाड़ सामने आ गया, उसकी वजह से वो पानी वहां ट्रैप हो गया, तो अब वो लेक बन गई है अताबाद लेक। बात समझ आई? तो यस, लैंडस्लाइड करते हैं, नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हिलती हैं, तो उसकी वजह से स्लाइडिंग होती है, बहुत सारी जगहों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ऐसा होता है। नहीं, इतनी भी नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता कि लैंड चल के ऐसे ऐसे करके इधर पहुंच जाए फिर इधर पहुंच जाए, नहीं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो नेचुरली अकरिंग इवेंट्स, नीचे लावा ट्रेवल कर रहा है तो वो स्लिप होती हैं, लेकिन बहुत, अगर इतनी सी भी स्लिप होती है तो उसका नुकसान बहुत होता है, बहुत बड़ा लेवल पे होता है। तो जो अर्थक्वेक आया था 2008 में, वो मैसिव अर्थक्वेक था, आपको तो शायद नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ा, मुझे याद है मैं गाड़ी के पास आकर खड़ा हुआ था, सुबह सुबह रोजे का वक्त था, रोजे के बाद का, लाइक 9-10 o'clock, तो दूध वाला आया था, मैं दूध ले रहा था, तो मेरी गाड़ी ऐसे एकदम ऐसे ऐसे हिल रही थी, दूध वाला कहता यार तेरी गड्डी नु क्यों है, मैं को गड्डी नु नहीं हुआ यार, जलजला आ गया है। खैर इतनी देर में जब हम अंदर गए तो तब भी जलजला आ रहा था, लाइक हार्डली अबाउट 4 minutes रहा होगा, लेकिन जब उसके बाद फिर टीवी को ऑन किया तो जियो पे बड़ी बड़ी हेडलाइंस चल रही थी, फलां जगह डूब गई, फलां जगह टूट गई, फलां जगह, हाँ बहुत ज्यादा खतरनाक था, और इतना खतरनाक था कि गाड़ी ऐसे 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 हो रही थी और घर के पंखे ऐसे ऐसे हिल रहे थे जी। तो वो कश्मीर का एरिया था ना, कश्मीर का सारा एरिया धर्म भरम हो गया था, पूरे दुनिया में जहां तक आया था वो 4 minutes ही रहा था, लेकिन उस 4 minutes के अंदर वो जितनी तबाही मचा सकता था उसने मचा दी थी, बड़ी बड़ी पहाड़ियां ऊपर आ गई थी और बहुत बहुत पहाड़ियों के नीचे पूरे पूरे गांव दफन हो गए थे। अच्छा खैर, यहां से ये जो दरिया यहां तक ट्रेवल करता आ गया, अब जब दरिया से पानी निकलेगा बाहर और जो सैलाब आएगा, जहां तक पानी पहुंचेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरा गौर सुन, ये एक्टिव फ्लड प्लेन, ठीक है, दरिया का पानी जहां तक पहुंचता है एज अ सैलाब, उसको बोलेंगे एक्टिव फ्लड प्लेन, क्योंकि ये एरिया मट्टी पड़ पड़ के ऊंचा हो गया, इसको हम एलुवियम टेरेस भी बोलते हैं, और इसको ओल्ड फ्लड प्लेन भी बोलेंगे। किसी जमाने में सैलाब यहां आता था, अब नहीं आता क्योंकि जगह ऊंची हो गई, ठीक है। तो एक्टिव फ्लड प्लेन, ओल्ड फ्लड प्लेन, समझ आ गई, ये लिखने की बातें थी बाय द वे।